हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे क्या, एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल नंबर टू देखेंगे। और एग्जाम्पल नंबर टू किसका हम लोग देखेंगे, देख रहे हैं ना, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का। ये हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, आधा चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला है। और क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम लोग कुछ थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा चीज सीखेंगे जो कि एनसीईआरटी में दी गई है, ठीक है, वो थोड़ा सा देखेंगे हम लोग यहाँ पे। देखो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे क्या, कौन सा एग्जाम्पल में किस तरीके की चीजें यूज हो रही है, ठीक है, तो ये देखेंगे हम लोग। तो याद रखना प्यारे बच्चों कि ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर टू, ये किस चीज से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें क्या दिया रहेगा, फोर साइड नहीं, हमें तीन साइड दी रहेगी और यहाँ पे दो डायगनल दिए रहेंगे। क्या? तीन साइड दी रहेगी और दो डायगनल दिए रहेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल में और फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 में हम लोगों ने क्या देखा था, हमने देखा था फोर साइड और वन डायगनल देखा था। और यहां पे हम लोग देखेंगे क्या, यहां पे हम लोग देखेंगे तीन साइड और दो डायगनल देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हो, यहां पे मैं पहले से ही लिख के रखा हूं कि यहां पे हम लोग देखेंगे तीन साइड और दो डायगनल देखेंगे, ठीक है। यहां पे भले ही आपको दिख रहा होगा, यहां पे व्हाइट स्पॉट दिख रहा होगा, तो यहां पे आप देख सकते होगे, इस चीज को मैं इधर लिख देता हूं, ये होगा दो डायगोनल, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। दो डायगनल्स आपको दिए रहेंगे। तो ये क्वेश्चन, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 4.2.2 जो मैंने लिखा है, ये एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। और ये चीज यहाँ पे मुझे लगता है ये चीज आपको बता देना जरूरी है, ठीक है। ये चीज लिखा है व्हेन टू डायगनल्स एंड थ्री साइड्स आर गिवन, जैसा कि हमें पता है क्या, थ्री साइड और दो डायगनल जब दिए रहेंगे तो कैसे बनाएंगे। ध्यान से अब सुनो, जब हमें फोर साइड दी गई थी और एक डायगनल दिया गया था, तब भी यही मेथड लगाएंगे जो अभी यहां पे लगाने वाले हैं। और जब तीन साइड और दो डायगनल दिए रहेंगे, तब भी ये वाला ही मेथड लगाएंगे। और ये मेथड कहता क्या है, देखो यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है, यहां पे क्या लिखे हुए हैं, इस चीज को समझो। मैंने कहा था कि सबसे पहले क्या करना प्यारे बच्चों, सबसे पहले डायगनल बनाना और फिर उस पर क्या करना, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन वो करना जिसमें सबसे ज्यादा क्या दे रही होगी। फिर बाद में तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर तुम कर सकते। एसी बना के बाद फिर ट्रेंगल्स बनाना शुरू कर दो। साइड बनाओ मत, ट्रेंगल्स बनाओ। क्या बनाओ? ट्रेंगल्स। तो यही कह रहा है यहां पे कि व्हेन फोर साइड, जब फोर साइड और एक डायगनल दिया था, गिवन वी फर्स्ट ड्रू अ ट्रेंगल, तो हम लोग पहले क्या बनाते थे, ट्रेंगल बनाते थे विद द अवेलेबल डेटा, जो हमें गिवन डेटा था उससे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेंगल्स बनाना शुरू करेंगे, ट्रेंगल बनाएंगे। और ट्रेंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, डायगनल की साइड यूज करेंगे और उससे ट्रेंगल बनाना शुरू करेंगे। पहले एक कंप्लीट ट्रेंगल पहले बनाएंगे, फिर उसी डायगनल से एक कंप्लीट ट्रेंगल बनाएंगे, हाँ कि ना। एंड देन ट्राई टू लोकेट द फोर्थ पॉइंट, और फिर हम लोग लोकेट करते थे फोर्थ पॉइंट को, जो कि हमें एक नया ट्रेंगल दे देता था, ठीक है। द सेम टेक्निक इज यूज हेयर, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियो 4.1 की देखी होगी, किस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर रहे थे ट्रेंगल्स। वहां पे भी मैंने बताया था कि प्यारे बच्चों, ट्रेंगल सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, डायगनल से ट्रेंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये चीज आपको याद रखना कि जब भी आपको साइड दिया हो, क्या थ्री साइड और टू डायगनल्स दिया हो, या फिर अगर आपको फोर साइड दिया हो और एंड वन डायगनल दिया हो, वन डायगोनल दिया हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपका कंस्ट्रक्शन सबसे पहले क्या होगा, डायगनल बनाना, और उस डायगनल से क्या करना प्यारे बच्चों, क्या करना, ट्रेंगल बनाना और फिर फोर पॉइंट ढूंढना और उससे ट्रेंगल बनाना। बताते हैं, जैसे कि आपको दिया है कंस्ट्रक्ट का कोऑर्डिनेटर एबीसी, गिवन दैट, देखो एबीसी कह रहा है, तो ये क्या है, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, एक दो, हाँ कि ना, तीन चार, इस तरीके से आपको एक ए बी सी और डी आपको क्या दिया गया, एक ट्रेंगल मतलब एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। देखो क्वाड्रिलेटरल कहा है, कह रहा है बी सी, कह रहा है बी और सी कितना है 4.5 सेंटीमीटर दिया है। ए डी कह रहा है, ए और डी कह रहा है हमारा 5.5 सेंटीमीटर, सीधे कह रहा है सी डी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और कह रहा है द डायगनल ए सी, द डायगनल ए सी, AC क्या है 5.5 सेंटीमीटर,
5.5 सेंटीमीटर। और कह रहा है BD, जो B और D है, ये वाला डायगनल है, ये वाला डायगनल है, ये हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। तो आपका सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, क्या करो आप इन दोनों में से कोई भी, क्या करो कोई भी डायगनल ले लो। तो मैं मान लेता हूं मैंने क्या किया, मैंने ये वाला डायगनल ले लिया, कौन सा, A, और सी डायगनल मैंने मेजर किया, कितना 5.5 सेंटीमीटर मेजर किया और यहां पे ले लिया। अब प्यारे बच्चों याद रखना, अब हमें इसी डायगनल पे क्या करना पड़ेगा, इसी डायगनल पे ट्रेंगल बनाना शुरू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रेंगल। तो प्यारे बच्चों यहां पे जब ट्रेंगल बनाओगे आप, तो ट्रेंगल के लिए हमें दो साइड चाहिए, और देखो गिवन दो साइड कहां है, ये दिया है और ये दिया है। अब थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा थोड़ा दिमाग, रटना नहीं है, ठीक है। तो ट्रेंगल बनाने के लिए ये वाली साइड, ये वाली साइड दिए, तो ये वाली साइड मेजर करेंगे कंपास पे और एक आर्क मारेंगे, और फिर क्या करो ये वाली साइड मेजर करेंगे 5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, और इधर वाली क्या है 5.5 मेजर करके ये आर्क मारा, और ये वाला साइड 5 सेंटीमीटर मेजर करके हम लोग क्या मारेंगे, एक आर्क और मारेंगे जो कि ऐसे कटेगा। तो ये जो पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन, और याद रखना जब आप ये आर्क मार रहे हो तो ये इंटरसेक्शन होना चाहिए, कटना चाहिए कोई ना कोई यार, ये जो आर्क बना रहे होगे, ये वाला जो आर्क बनाओगे AD वाला, ये कटना चाहिए CD से, तब आपको ये फोर्थ पॉइंट मिलेगा। मतलब ये तो अभी के लिए क्या है, ये क्या है आपका थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, तो अरे धत्तेरी की, ठीक है, ये है आपका थर्ड ही पॉइंट ले लो, ये थर्ड पॉइंट। तो ये क्या हो गया, ये जाएगा ये AD हो गया आपका ये, और ये बन जाएगा CD। तो ये आपका बन गया क्या, थर्ड ट्रेंगल बन गया, एक पहला ट्रेंगल आपका बनके तैयार हो गया, और यही आपको कंस्ट्रक्ट करना था। क्या इसी तरीके से आपको क्या करना था, फर्स्ट में भी कंस्ट्रक्ट करना था। अब क्या करोगे आप, अब क्या करना है, कुछ नहीं, आपको करना है BC आपको कंपास में मेजर करना है, और BC मेजर करने के बाद आपको क्या करना, एक आर्क ऐसे बनाना है, BC मेजर किया और एक आर्क ऐसे बनाया। फिर क्या करोगे, जो आपको गिवन डायगनल है जैसे BD, तो BD को मेजर करोगे किसमें कंपास में, और यहां पे रखोगे क्या, क्या रखो, कंपास की जो सुई होती है वो यहां पे रखोगे, और एक आर्क मारोगे। क्या करो, पहले तो मेजर करो इतना पूरा, फिर उसकी सुई रखो और फिर आर्क मारोगे, तो कुछ ऐसे कटेगा, क्या करेगा ऐटे। तो हमें ये जो मिल रहा है पॉइंट, ये मिल रहा है फोर्थ पॉइंट, क्या मिल रहा है फोर्थ पॉइंट, यहां पे हमें मिल रहा है। अब क्या करना है आपको, इसको क्या कर देना है, क्या ये जो डी मिल रहा है, ABC, ये है बी हमारा, ये बी पॉइंट, ये जो मिल रहा है इसको क्या करोगे, इससे ज्वाइन कर दोगे, क्या करोगे इससे ज्वाइन कर दोगे, और जैसे ही आपने ज्वाइन कर दिया, अब क्या कर देना, इसको इससे ज्वाइन कर देना, इसको इससे ज्वाइन कर देना, मिल गया आपको क्या, क्वाड्रिलेटरल मिल गया तैयार। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कॉपी में किस तरीके से आपको ये बनाना है, बहुत ही सरल है, बहुत 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 ही सरल है। क्या आपको दिमाग में याद रखना है कि अगर मुझे डायगनल जैसा कुछ भी दिया रहेगा, डायगनल जैसा दिया है, तो हमें पहले तो डायगनल बनाना है, और उस डायगनल पे ट्रेंगल पहले बनाना है, क्या बनाना है ट्रेंगल, जिनकी चीजें हमें दी रहेगी उसी से हमें पहले ट्रेंगल बनाना, फिर स्टार्ट करेंगे बनाना, बहुत सरल है, बहुत 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 सरल। तो चलते हैं प्यारे बच्चों कॉपी की तरफ, अपने A4 शीट की तरफ, और चलते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो